हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू। रेसिपी किचन विद नीतू में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए फ्रेंड केले की बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई। फ्रेंड सिर्फ दो केले से आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, जो कि खाने में भी टेस्टी और बनाना तो फ्रेंड बिल्कुल आसान है। बस 2 चम्मच तेल में फ्रेंड मैंने ये रेसिपी बना के तैयार करी, जो कि खाने में भी टेस्टी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट बन के तैयार होने वाली ये रेसिपी। अगर फ्रेंड्स आपको ये आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड बनाना शुरू करते हैं। तो इस केले की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 केले ले लिए फ्रेंड। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको ज़्यादा केले की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बस 2 केले में आप इस रेसिपी को बना के तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, केले को अच्छे से छील के तैयार कर लेना है हमें। तो यहाँ फ्रेंड मैं फटाफट केले को अच्छे से छील लेती हूँ। इसके बाद केले के छोटे छोटे पीसेस करने हैं हमें। तो यहाँ हमने केले को अच्छे से छील लिया। अब हमने यहाँ पे ग्राइंडिंग जार ले लिया फ्रेंड। इसमें हम केले के इस तरीके से नाइफ की सहायता से इसके पीसेस करेंगे फ्रेंड। इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर दीजिएगा ताकि हमने अच्छे से ग्राइंड कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हमने केले के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे इसकी मिठास के लिए फ्रेंड। मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको गुड़ ना पसंद हो तो आप यहाँ पे शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ 1 कप के लगभग गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ डालने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ फ्रेंड मैं 1/2 कप के लगभग पानी का यूज़ कर रही हूँ। पानी डालने के बाद अब आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड हमने इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया। देख सकते हैं इसका फाइन सा हमारा ये केले का प्यूरी बन करके बिल्कुल तैयार है, देख सकते हैं। तो मैं इसे एक अलग बाउल में निकाल लेती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ देखिए मैंने इसे अलग बाउल में निकाल लिया। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ फ्रेंड मैं 1.5 कप गेहूँ के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा और हेल्दी बनेगा फ्रेंड। तो 1/2 कप आटा और ले लेती हूँ फ्रेंड। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप यहाँ पे चावल का आटा। तो ये देखिए चावल का आटा इसमें डाल देंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप के लगभग, मैं यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ फ्रेंड, बारीक वाली सूजी। तो उसे मैं इसमें डाल दूँगी। तो टोटल फ्रेंड मैंने जो ड्राई इंग्रीडियंट लिए वो हमने 2.5 कप लिया है। अब इसमें थोड़े से हमने सूखा नारियल कद्दूकस करके डाल दिया। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो फ्रेंड आप उसे छोटे छोटे पीसेस में कर करके डाल दीजिएगा। तो बस इन सभी चीज़ों को फ्रेंड अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए हमने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। इसके लिए जो हमें बैटर तैयार करना है फ्रेंड, जैसे हम केक बनाने के लिए बैटर तैयार करते बिल्कुल वैसे ही हमें इसका बैटर तैयार कर लेना है फ्रेंड। तो थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालिए और इसे मिक्स करते जाइएगा। तो कुछ देख सकते हैं फ्रेंड कुछ सेकंड बाद ये देखिए इसका बैटर कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एकदम फ्लफी इसका बैटर लग रहा है देखने में। तो बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा गाढ़ा ही बैटर रखना है फ्रेंड। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा, यानी मीठा सोडा, जो इसको और भी ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा फ्रेंड। तो इसको डाल देंगे। इसे डालने के बाद इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड। तो फटाफट इनको अच्छे से 1 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो एक डायरेक्शन में आप इसे अच्छे से फेंट लीजिएगा ताकि जो बैटर है थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। तो हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो चलिए फ्रेंड अब बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ फ्रेंड हमने अप्पे की कढ़ाई ले ली है। तो अप्पे कढ़ाई को इस तरीके गैस पर रख दीजिएगा। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए फ्रेंड आपको ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा थोड़ा ऑयल डालने के बाद इसमें अब डाल देंगे बैटर। तो इस तरीके से स्पून की सहायता से आप इसमें बैटर डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से हम सभी में बैटर को डाल देंगे। तो फ्रेंड बैटर को ज़्यादा ऊपर तक फिल ना कीजिएगा, क्योंकि ये फ्रेंड पकने के बाद ये थोड़ा सा फूल जाता है, इसलिए थोड़ा सा गैपिंग कीजिएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हमने बैटर डाल दिया, इसे एक ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए 10 मिनट एकदम लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो गए थे फ्रेंड और ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल चुका है। ऊपर की जो लेयर है फ्रेंड वो बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो बस ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल देना है अच्छे से। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दीजिएगा और इसके बाद एक साइड से इसे पलट देंगे और देख सकते हैं कितना प्यारा सा फ्रेंड कलर आ गया इस पर। तो बस जब भी इसको पकाइए फ्रेंड गैस को थोड़ा सा लो फ्लेम कर दीजिएगा, तभी ये बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा फ्रेंड। तो इस तरीके से देखिए हम इसे पलट देते एक साइड से, देख सकते हैं कितने अच्छे से पक गया है। तो हमें फ्रेंड दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से पकाना है, तो इसलिए एक साइड से मैं इसे पलट रही हूँ।
ये देखिए हमने एक साइड से पलट दिया है। अब इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ 5 मिनट हो गए फ्रेंड, फिर से मैं चेक कर लेती हूँ और देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पक चुका है। ये हमारा बनाना का स्वीट अप्पे देख सकते हैं, कितना प्यारा सा कलर आ गया। बहुत ही अच्छे से हमारा अप्पे बिल्कुल बनकर के तैयार है, जो कि खाने में भी टेस्ट है। देखिए बनाना तो कितना आसान है और बहुत ही कम तेल में फ्रेंड बनकर के तैयार हो जाता है। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ फ्रेंड, देख सकते कितना सुंदर लग रहा है देखने में। तो इसी तरीके से बाकी अप्पे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और जो बैटर बचा है फ्रेंड उसे इस तरीके से बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा अप्पे बिल्कुल बन कर के तैयार है फ्रेंड। तो मैं इसे अब प्लेट में निकाल लूँगी। आप इस अप्पे का लुक देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड, और खाने में भी टेस्टी है फ्रेंड। देख सकते हैं इस अप्पे का लुक। तो इस बनाना स्वीट अप्पे की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली फ्रेंड। इसको बनाने में भी बहुत ही कम टाइम लगता है और ये इसका लुक कितना सुंदर लग रहा है फ्रेंड। इस एक अप्पे का लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बहुत ही अच्छे से पका है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है फ्रेंड ये अप्पे देख सकते हैं। मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाऊंगी, इस अप्पे का टेक्सचर कितना ज़्यादा परफेक्ट आया है देख सकते हैं आप। तो इस अप्पे का फ्रेंड अंदर से टेक्सचर देख सकते हैं कितना ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से हमारा ये अप्पे बिल्कुल बन करके तैयार है। तो जब भी अप्पे इस तरीके का बनाइए फ्रेंड, तो गैस को लो फ्लेम करके ही बनाइए, हाई फ्लेम पे कर देंगे तो ये अप्पे अच्छे से पकेगा नहीं, कच्चा ही रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड एक और नई रेसिपी के साथ।